पहाड़ों की रानी मसूरी को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान ने शहर के व्यापारियों, होटल स्वामियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में शहर को प्लास्टिक मुक्त करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही प्लास्टिक की पेयजल बोतलों में QR कोड लगाने को लेकर भी चर्चा की गई। अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह चौहान ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए एक निजी कंपनी से अनुबंध किया जाना है, जो समय समय पर प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए अभियान चलाएगी। राजवीर सिंह चौहान ने कहा कि रिटेलर व्यापारियों से पानी की बोतलों पर QR कोड लगाकर बेचने की बात की जाएगी। वहीं इस अवसर पर व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि बैठक में लाए गए प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ये जल्दबाजी में लाया गया प्रस्ताव है। व्यापारी हित में यदि इसका बुरा असर पड़ा तो वहां इस योजना का विरोध करेंगे। पूर्ण रूप से प्रस्ताव सुनने के बाद हमने आज ये नतीजा निकाला है कि एक जल्दबाजी में बनाया हुआ प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव धरातल पर उतारने लायक नहीं है। इस प्रस्ताव को नगर पालिका और हिलदारी द्वारा जल्दबाजी में एक स्वच्छता के नाम पर लाया गया है, जिसका हमने आज पूर्ण रूप से विरोध भी किया है और ये भी कहा है कि हम मसूरी की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए मसूरी का हर एक नागरिक, व्यापारी हर समय हर वक्त खड़ा है। लेकिन अगर किसी भी प्रस्ताव में उस किसी भी व्यापारी का या नागरिक की कोई भी आर्थिक हानि या सामाजिक हानि किसी भी प्रकार की होगी तो उसका हम विरोध करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।